काप्पा इन 2000 डिवाइड बाय एन, एंड यू कैन सी दैट द लैम्डा एम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, एंड वी कैन राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. बाय द वे, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? मेरी आवाज साफ साफ आ रही सबको? खदीजा हर्षन है क्या? यस सर. व्हाट अबाउट अदर्स, खदीजा एंड हर्षा, आवाज साफ है? यस सर. यस सर. सबका हो गया, ठीक है. हेलो इफ आई डिक्रीज द मोलारिटी सो मच, कितना डिक्रीज करते हैं हम, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, इट अप्रोचेस जीरो, देन लैम्डा एम क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा, लाइक लैम्डा एम इट विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ऐसे समझिए आई स्टार्टेड डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन, ठीक है, आई एम डिक्रीजिंग, तो लैम्डा एम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आई एम स्टिल डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं ना कि इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, राइट, इट विल नॉट रीच इन्फिनिटी, बट इट विल रीच अ वैल्यू, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा होगा, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दैट इज द लिमिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस. व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मतलब क्या हुआ, इफ यू डायल्यूट सॉल्यूशन इवन मोर देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, कि आपने इतना कंसंट्रेशन कम कर दिया, यू हैव डायल्यूटेड द सॉल्यूशन सो मच सो दैट ऑन फर्दर डायल्यूशन देयर इज नो चेंज इन मोलर कंडक्टेंस, इसी चीज को ना इनफाइनाइट डायल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, द सेम थिंग इज नोन एज इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, प्लीज राइट इट मी, ठीक है, सुसाता सीखिएगा, सर ये फिफ्थ पॉइंट है या बस इसमें से जो दिस कंटिन्यूएशन है? मीन्स नहीं, इसी का कंटिन्यूशन, इट्स नॉट द फिफ्थ पॉइंट, ये इसी का कंटिन्यूशन है, ठीक है ना, ठीक लिखिएगा, दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज इनफिनाइट डाइल्यूशन होता क्या, दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट दैट लैम्डा एम अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर जा नहीं रहा है, अ मैक्सिमम वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू है ना, वो लिमिट आ गई उसकी, उसके ऊपर नहीं जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू एंड इट डज नॉट इंक्रीज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, डज नॉट इंक्रीज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, ठीक है. मरियम आप थोड़ा टाइम से आया करें ना, वाई आर यू लेट मरियम, मरियम आपको लेट कैसे हुआ, लास्ट क्लास में भी लेट थे आप मरियम, मरीम जल्दी बताइए क्या हो गया, टर्न योर माइक ऑन यार, थोड़ा देखिए आपको लैम्डा एम इज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डायरेक्शन इज ए के ए इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड डिनोटेड बाय। दो तरीके इसको डिनोट किया जा सकता है, या तो आप लैम्डा एम 0 लिख दे, 0 का मतलब हो गया कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग टू 0, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके कंसंट्रेशन इज वेरी लो, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, दैट डाइल्यूशन हैज अचीव्ड अ, डाइल्यूशन हैज अचीव्ड अ इनफिनाइट वैल्यू। और आपको ऐसे भी देख सकता है कैपिटल लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा इंफिनिटी एम। Copy this down, raise your hand once you're done. नेक्स्ट कीजिएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अभी नेक्स्ट करेंगे, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर वन लिखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ब्रैकेट में कई कई बार ना इसको एस ई भी लिख देंगे, राइट, यू विल राइट दिस विद मी, कुछ बातें आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए देखिएगा, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लोली, व्हाई, बिकॉज because strong electrolyte is almost completely dissociated due to which ग्राफ ऑफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी इज लीनियर। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो होता क्या, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट व्हिच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है, इफ यू आर इट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाती है, इफ यू आर डाइल्यूटिंग इट फर्दर मोर देर कैन बी सम डाइल्यूशन बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत स्लोली इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पे जल्दी बिट ऑफ इंक्रीज इन द लैम्डा, राइट, व्हाई, बिकॉज यू कैन नॉट फर्दर इंक्रीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज्यादा 99% हो ही चुका है, व्हाट एवर इंक्रीज इन द डिसोसिएशन द डाइल्यूशन विल ब्रिंग दैट विल बी वेरी 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 लेस ना, 99 से 100 लेके ज्यादा बहुत ही कम है, राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजेस वेरी स्लोली। ध्यान दीजिए जरा, जो ग्राफ बनता है यहाँ पे उसको भी लिखा देते हैं, सर, अब आपने ना क्या लिखे, ग्राफ ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर इज कंसंट्रेशन, मोलर मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी, कंडक्टेंस रूट वर्सेस सी रूट इज सी, रूट ऑफ कंसंट्रेशन, रूट सी, ठीक है, तो इसका कुछ देखिए, रूट सी है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास लैम्डा एम है, और जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है,
है। जनरली ग्राफ को ओरिजिन से फिर राइट साइड देखा जाता है, इसको थोड़ा उल्टा देखिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा किधर से, राइट से ओरिजिन की तरफ देखिएगा, बिकॉज डाइल्यूट कर रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, तो कंसंट्रेशन ज्यादा धीरे धीरे कम हो रही है और लैम्डा बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है, ठीक है ना, उस तरह से देखना है। अनदर थिंग इज दैट, ये और चीज ये है कि इसको ना एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है ऐसे। मान लीजिए आपके पास यहीं तक ही है, यू हैव वैल्यू टिल हियर, प्रैक्टिकल वैल्यू यहीं तक आ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो वैल्यू है ना उसको क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रापोलेट करके निकाला जा सकता है इस तरह से। नाउ दिस पॉइंट इट इज टेलिंग दी लैम्डा एम व्हेन कंसंट्रेशन इज जीरो, यानी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट ऑन एक्स्ट्रापोलेशन, इट कैन गिव यू लैम्डा नॉट एम ना। इनफिनाइट डाइल्यूशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन डाइल्यूट इट और फिर ये ग्राफ मिलेगा, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन कैलकुलेट दी, यू कैन गेट दी लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा लैम्डा नॉट एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस प्लॉट, यूजिंग दिस प्लॉट, ठीक है। तो लिखिएगा फिर दिस प्लॉट फॉलोज डिबाई हकल इक्वेशन डिबाई हकल इक्वेशन, ठीक है। क्या डिबाई हकल इक्वेशन, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी इंटू रूट सी एंड बी इंटू रूट सी। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये वाई है, इट इज इक्वल टू, ये आपके पास कंसंट्रेट, ये कॉन्स्टेंट है सी, जो इंटरसेप्ट भी है माइनस बी इट इज दी एम, एंड रूट सी ये जो है आपके पास ये क्या, दिस इज एक्स। नाउ माइनस बी के बारे में लिख लीजिएगा, माइनस बी जो है इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ आयन एंड टेम्परेचर, चार्ज ऑफ आयन एंड टेम्परेचर, अच्छा फ्रॉम आई होप ऊपर वाला तो लिख दिया होगा आप लोगों ने, कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। इस देखते ये तो हम लोग के लिए, इसके लिए देख लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिएगा सेकंड सेकंड लिखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे डब्ल्यू ई बोलते हैं, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग
सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड। देन लैम्डा एम इंक्रीजेस वेरी स्लोली। नहीं क्या लिखा रहे हैं, ऑफिस में लिखा रहे हैं, सॉरी वेरी शार्पली। देन लैम्डा एम इंक्रीजेस वेरी शार्पली, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ओनली पार्शियली डिसोसिएटेड, इज ओनली पार्शियली डिसोसिएटेड एंड as the dilution increases, as the dilution increases, the dissociation of electrolyte also increases. So, dikhega. Hence the graph between lambda m versus root c is not linear. खदीजा हर्षन, ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? बताइए यही है, यस बताइए सर। खदीजा। हाँ खदीजा बताइए, समझ आ गया? हाँ आ गया ना? ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन क्या होता है? इट इज पार्शियली डिसोसिएशन, है ना? तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन किया तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, बिकॉज डाइल्यूशन करने पे डिसोसिएशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, राइट? नेक्स्ट आपके पास, आप लोगों ने शायद लिख भी लिया हो, आपके पास यही ग्राफ है जो पुराना वाला ग्राफ था, लेकिन जो मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो सेम है, प्लॉट जो होगा ना प्लॉट थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपके पास वही लैम्डा है, यहाँ पे वही आपके पास रूट सी, पर जो आपके पास प्लॉट आएगी ना वो थोड़ी डिफरेंट होगी। बता सकते कुछ इस तरह की होगी, है ना? नहीं देखिए, मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, एंड आई एम इंक्रीज, आई एम स्लोली डाइल्यूटिंग, डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, तो बहुत तेजी से क्या इंक्रीज करेगा? द लैम्डा एम विल इंक्रीज वेरी, बहुत ज्यादा तेजी से। अब ये पहुंच कहाँ जाएगा? इट विल रीच इनफिनिटी, तो गिनता चला जाएगा, है ना? तो इस वजह से वी कैन नॉट रियली डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम, यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है? तो ध्यान दीजिए जरा, देखिए कैसे, इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट दैट लैम्डा नॉट एन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस प्लॉट, ठीक है? इसको नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है। और टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए कॉलरॉश ने बहुत ज्यादा काम किया, एंड ही कॉलरॉश गिव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, एंड वी यूज द कॉल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लैम्डा नॉट एम द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? इसको लिखिए, रेज योर हैंड वंस अगेन, देन वी लुक एट कॉलरॉश लॉ। वेटिंग फॉर खदीजा, यहिया,
हेडिंग लिखेगा, ऑल रॉश आर ओ आर ए यू टी एस एस सी एच, पता नहीं कुछ ऐसे कॉल रॉस है ना, सी कॉल रॉस लॉ, कॉल रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, माइग्रेशन, ठीक है, आई एम राइटिंग द लॉ, उसके एप्लीकेशन ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, तो लॉ को ऐसे रटना ज्यादा जरूरी नहीं है. आई विल राइट दैट लॉ सो दैट इट इज देयर इन योर नोटबुक, उसके बाद हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से, देन यू कैन री राइट ऑन योर ओन वर्ड, है ना, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है. दैट दी पोलर कंडक्टेंस नॉट एम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या मतलब, दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस, द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयंस एट इंफिनिट डाइल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दी लैम्डा नॉट एम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायंस प्लस दी लैम्डा नॉट ऑफ एनायंस, ठीक है. अब देखिए ये डिपेंड करेगा एनायन और कैटायन, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आई होप आपने स्टेटमेंट लिख लिया हो, इफ आई हैव लैम्डा, तो ये देखिए कैपिटल लैम्डा जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा, को जनरली कन्वेंशन है ना, जरूरी नहीं है, Na+ के लिए यूज किया जाएगा आयंस के लिए, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, बिकॉज NaCl में एक Na है और एक Cl है, बट इफ आई एम गोइंग टू राइट सिमिलर थिंग फॉर MgCl2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, बट बिकॉज हियर वी आर हैविंग टू Cl, तो एक और सीएल नेगेटिव होगा, तो उसके बदले क्या कर दीजिए, टू सीएल नेगेटिव ऐसे कर दीजिए, और उसी तरह से अगर हम लैम्डा नॉट ऑफ केसीएल बोलेंगे तो केसीएल के लिए भी क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट के प्लस प्लस लैम्डा नॉट सीएल नेगेटिव, बट इफ आई सी द सेम थिंग फॉर AlCl3, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ AL3 प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ सीएल नेगेटिव, कितने सीएल नेगेटिव, तीन, तो तीन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेक सेंस इस ऑफ इस नहीं, ठीक है लिखते जाइए, यस सर, लैम्डा नॉट किसका NH4OH, नहीं कुछ बोला क्या, डिड एनीवन से समथिंग, ठीक नो सर, है, ठीक है लिखते जाइए, लिखते जाइए, लैम्डा नॉट ऑफ लेट सपोज यू हैव CH3COOH, ठीक है, जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे ही आपके पास है लैम्डा नॉट ऑफ सर AgCl, क्या तो भी NH4+ जाएगा, व्हाट हर्षा, इट विल बी NH4+ राइट
NH4 प्लस तो है यहाँ पे, प्लस नहीं था। अच्छा यस प्लस नॉट ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव, यहाँ पे सीएल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, काफी स्टाफ। और इन जनरल क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम कि लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटायंस है ना, जितने भी कटायंस है मल्टीप्लाइड बाई द लैम्डा नॉट ऑफ दोस कटायंस प्लस द नंबर ऑफ अनायंस है ना, मल्टीप्लाइड बाई द लैम्डा नॉट ऑफ ऑल ऑफ दोस अनायंस। ठीक है, यहाँ पे एन पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ कटायन आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, और एन नेगेटिव क्या है, नंबर ऑफ एनायन आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक Leave your hand once you're done. देखिए, जो कॉलराफ लॉ है ना, द स्टेटमेंट एंड जो एप्लीकेशन और जो सवाल आते हैं ना, दे आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि कॉलराफ लॉ अगर आपको तैयार करना है तो कॉलराफ लॉ का बस स्टेटमेंट बढ़िया हो गया, वैसे नहीं होगा। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कॉलराफ लॉ का, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। हाउ डिफरेंट दी स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट। ठीक है ना, लेकिन जो एप्लीकेशन है जहां से सवाल आते हैं, ठीक है ना, यू विल सी दैट दे आर वेरी लॉजिकल, काफी लॉजिकल, उसमें आपको ब्रेन अपने इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लीज राइट एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉल प्रोसेस। सबसे पहले एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, जिसकी वजह से हम लोगों ने टॉपिक क्या था, डिटरमाइन लैम्डा नॉट एम ऑफ वी इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ वी इलेक्ट्रॉन्स। सीधा आप लोगों को सवाल से ही समझ में आ रही है ना, इस वजह से हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जनरली व्हाट विल हैपन, यू विल बी गिवन लैम्डा नॉट ऑफ, लेट अस सपोज सम आयन है ना, CH3COONa। ठीक है ना, और ये जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। वैसे आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से आपको दिया हुआ लैम्डा नॉट NaCl विच इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, उसी तरह से दिया हुआ आपको लैम्डा नॉट HCl, ये आपके पास जेड सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इनका दिया हुआ है आपको, बोला जाएगा फाइंड लैम्डा नॉट एम ऑफ H3CO एसिटिक एसिड। ये कॉपी नहीं,
पाएंगे? बताइए, समझ में आ रहा कैसे होगा? यही आप खदीजा नहीं, हर्षा बताइए, समझ में आ रहा कैसे होगा? यस सर, यस, कैसे होगा हर्षा? नहीं सर, नहीं समझ सर में आ रहा। ठीक है, हम तो बता देंगे, चिंता मत कीजिए। जी हाँ बताइए हर्षा। x+y, सॉरी x-y+z। वैसे ठीक है, देखिए समझ में नहीं आ रहा, देखिए कैसे करना है हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? बट आपको हम इंडिविजुअली बताएंगे, और धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा ना, फास्ट करना पड़ेगा ये सेम चीज, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल राइट ऑल द डिसोसिएशन रिएक्शन, मतलब डिसोसिएट कर करके लिखिएगा बिल्कुल सबको, ठीक है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले है नंबर वन, अभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बट ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है ना? क्या CH3 COONa किसमें टूटेगा? CH3 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, सही है? सेकेंडली NaCl किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तीसरा HCl किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इतना तो हर किसी सवाल कर सकते हैं, यही आया खदीजा और पीसल मी आया ना, बताएं? ठीक यस सर आया। है आ गया। अरे अभी ये नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया, ध्यान दो, ठीक है? इनके नहीं लैम्डा सर। नॉट आप, हाँ ये इतना कर सकते हैं ना, यस सर। आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या आपका? आंसर तो जी नहीं आया सर। ना, आंसर आ गया इंडिया नहीं। नहीं ना? हाँ ठीक है, बस इतना समझ में आया, इतना कर सकते हैं। उसके आगे आपको लिखना टारगेट, ये मेन है ना, ये तो दिखना चाहिए आपको, यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, दिखना चाहिए आपको ना, ना HCl एच प्लस HCl नेगेटिव में टूटेगा। टारगेट क्या लिखिएगा आप? ये टारगेट है आपके पास CH3COH, उसको भी लिख लीजिए, CH3COOH इसमें टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब बताइए, वी जस्ट नीड टू डिटरमाइन दी मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH और एच प्लस, दोनों का हम लोग निकाल लें तो आपको CH3COH का निकल जाएगा, मेक सेंस ये? सुनो, अगर आयंस का निकाल ले तो इलेक्ट्रोलाइट का भी निकल जाएगा, हाँ या ना? बोलो भाई, अगर आयंस का निकाल लें तो इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकल जाएगा? बोलते हाँ नहीं सर। है ना, तो ध्यान दीजिए। अब आप ये बताइए, CH3CO नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, एक्स में, वाई या जेड में आ रहा है? 1 2 3 में किसमें आ रहा है CH3CO नेगेटिव? एक्सलेंस एक्स को चाहिए हमको, एक्स को चाहिए, ठीक है? और एच प्लस कहां से आ रहा है? जेड सर। जेड से आ रहा है, तो जेड भी चाहिए हमको। अच्छा एक्स में ना देयर इज समथिंग अदर देन CH3CO नेगेटिव आल्सो ना, कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या? एक्स्ट्रा क्या, सीएल एक्स्ट्रा क्या है? नहीं ये पहले वाले एक्स में, एक्स में, एक्स में क्या एक्स्ट्रा है? हमको तो एनए बस यही चाहिए एन ए एक्स्ट्रा, तो हमको एन ए नहीं चाहिए, तो एन ए को हटाओ, ठीक है? लैम्डा नॉट ऑफ एन ए हटाते हैं, ठीक है? और क्या चीज चाहिए हमको? जेड से हमको कुछ नहीं चाहिए, जेड से क्या नहीं चाहिए? चाहिए। सीएल नहीं चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों को ऐसे ऐड करके हटा देते हैं, लैम्डा नॉट सीएल नेगेटिव, ये दोनों चीज हमको नहीं चाहिए, मेक सेंस? सुनो सही है। यस अब देखिए ये एक्स हो गया प्लस जेड माइनस लैम्डा नॉट एन ए प्लस लैम्डा नॉट सी एल, किसका हो जाएगा? वाई का आ गया आपके पास, लैम्डा नॉट ऑफ सी एच थ्री सी यू एच हो जाएगा इतना। बताइए काफी, सर। यस सर। ठीक है? जो गिवन है उसका आप लोगों क्या कर लिख देना, उसके फिर आगे क्या करना आप लोगों को, टारगेट लिख लिया कीजिएगा ना, देखो दी 1 2 3 जो गिवन है उसका आप लोग ना भी लिखे तो चलेगा, टारगेट लेकिन लिख लीजिएगा हमेशा, ठीक
वेटिंग फॉर हर्षा नहीं किया, हर्षा का तो आ गया ना। खैर ओके सी ये अगला सवाल। खदीजा आपको समझ में आया? खदीजा खदीजा आपको समझ में आया? यस खदीजा। लैम्डा नॉट ऑफ एन एच फोर सी एल। खदीजा एम आई ऑडिबल? यार बात आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करते हैं? खदीजा एम आई ऑडिबल? हम रिमूव कर देंगे ऐसे बच्चों को, अजब हाल है बिल्कुल। सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। अच्छा बाय द वे सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग, एक्स वाई जेड के आपके पास नंबर्स होंगे तो आप पहले उन नंबर्स को मत लिखिएगा, एक्स वाई जेड ही लिख लीजिएगा ना। जब आपके पास आंसर आ जाए एक्स प्लस वाई माइनस जेड या फिर एक्स प्लस जेड प्लस माइनस वाई जो भी आ जाए आंसर, उसमें फिर एक्स और जेड और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है सीमेंट सेंटीमीटर, ठीक है सेम चीज। ठीक है कैलकुलेट। ठीक सर आपको फोटो भेज देंगे सर आंसर लिखने के बाद? हाँ फोटो भेजिएगा आप लोग, और क्या कीजिएगा दीजिए। ठीक एन एच फोर आपको मिलेगा एक्स से सही है, ओ एच नेगेटिव आपको मिलेगा वाई से सही है, एन एच फोर में बचेगा आपके पास सी एल और वाई में बचेगा आपके पास ओ एच, नहीं वाई में बचेगा एन ए, एन ए और सिर्फ हटा दीजिएगा। जी हाँ सही है।
यस हल्सर चार्ज ऑफ करेक्ट, सही है, बहुत बढ़िया। अगला कीजिए, जो लोग नहीं कर पा रहे देख लीजिए भाई। खदीजा आपको पता नहीं है या नहीं है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे वी नीड NH4OH, किसी टूटेगा ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ध्यान दीजिए जरा। NH4 पॉजिटिव हम कहाँ से मिलेगा, X से मिल जाएगा, ठीक है, और OH नेगेटिव वी विल गेट फ्रॉम Y, बट वी डोंट नीड समथिंग फ्रॉम दी X, व्हाट इज दैट थिंग, वी डोंट नीड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, और क्या नहीं चाहिए हमको, लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव में Na, ठीक है, NaCl को अगर हम हटा दें तो ये आपके पास लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, प्लस वाली थी का। सर ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में हो सकते हैं सर? 2 मार्क्स में। जी सर। सॉरी, ये इस तरह के भी सवाल है, अच्छा तो यार एक नंबर में भी आ सकता भाई, कुछ करना तो नहीं है ना जी खास, हाँ है ना, कुछ खास तो करना नहीं है, ठीक है। NH4 Cl, बाय द वे ये जो ऊपर के जो दो सवाल कराए ना, उस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे आसान, ये जो हम करा रहे थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, फिर आप ट्राई कीजिएगा। NH4 Cl दिया हुआ है आपको, ऐसे लिख देते हैं, NH4 Cl दिया हुआ है आपको, और आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ओ एच टू एच होल्ड वाइज, ये आपको दिया हुआ वाई सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और आपके पास दिया हुआ एक और चीज BaCl2, लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2, ठीक है, दिया हुआ आपके पास जेड सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी यहाँ पे भी क्या निकालना है, लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH ही निकालना है, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ना। कॉपी कीजिए, इसका निकालने की बताइए कैसे होगा इसमें। आई एम गिविंग यू 2-3 मोर मिनट्स, है ना, और थोड़ा सा हम आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, सो ट्राई कीजिए।
ये एक आंसर आया। ठीक देखते हैं, यही हो रहा है कुछ, देखते देखते भाई। सर आके अटक गया हूँ मैं बस एक जगह पे। ठीक हाँ थोड़ा सा अटक। हाँ ठीक, थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा सवाल नहीं आता लेकिन बोर्ड से अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा आप भी देखिए जरा, है ना, NH4OH करेंगे तो किसमें से करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव किससे मिलेगा, एक्स वाई या जेड, कहाँ से मिलेगा बताइए। एक्स से मिलेगा एक्स से मिलेगा ठीक, और OH नेगेटिव, वाई से वाई सर। ठीक OH वाई से। लेकिन ध्यान रखिए वाई में आपको 2 OH मिल जाएगा, तो हम क्या लेंगे, वाई बाई टू ले लेंगे ताकि एक मिले, मेक सेंस है। यहाँ सर, पे मैं देखिए टू 2 OH वाई है लिखा ना, मैं। तो वाई, यस सर मैं। हाँ वाई बाई टू आ जाएगा, है ना, ये 2 Y नहीं होगा, 2 Y से तो आपको 4 OH मिल जाएगा, क्या लेना होगा यहाँ पे, वाई बाई टू, मेक सेंस, सही है, यस सर यस सर। बोलो। ठीक है, प्लस एक्स से वी नीड, वी डोंट नीड समथिंग फ्रॉम एक्स, क्या नहीं चाहिए एक्स से, व्हाट डू वी सीएल डोंट, व्हाट डू वी नॉट नीड फ्रॉम एक्स, सीएल। तो लैम्डा सीएल नॉट प्लस कर दिया उन्होंने ना, माय बैड गाइस। हाँ माइनस करना है क्या, लैम्डा नॉट सीएल, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए हमको, कैसे ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक बीएसएस है, प्लस बी ए, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा बी ए जो आएगा ना वो हाफ ही आएगा, बिकॉज वाई हमने आधा लिया, बी ए तो एक ही है और वाई हमने आधा, तो बी ए हाफ आएगा, तो आएगा आपके पास लैम्डा नॉट बी ए 2 पॉजिटिव, लेकिन क्या आधा, ये समझ में आया कि नहीं आया बताएं। समझ में आया सर। इफ यू टुक वाई तो बी ए मिलता, वाई बाई टू तो बी ए बाई टू मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस 2 इंटू लैमडा नॉट सी एल प्लस लैमडा नॉट बी ए 2 पॉजिटिव होल डिवाइड बाई टू, सही है, कोई दिक्कत। दो सर एलसीएम लिया बस हमने, है ना, देखिए यहाँ पे ये बी एस सी एल टू आ गया ना न्यूमरेटर में, जो है एक बी ए और 2 सी एल, ये वाला पार्ट बी एस सी एल टू हो गया, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अच्छा आपने ये वाई बाई टू तक तो सही किया था, जेड में थोड़ा सा आप लगता है ऐसे कैन यू पैटर्न बना लिए, एक्सप्लेन जो जेड बच्चा अगेन? तो ये क्या होगा, ये जिस बोलते हैं, सर वेरी यहां तक तो समझ में आया ना, इंटरेस्टिंग। यहां तक बी 2+ मैगी ये है ना, ये बी ए 2 प्लस और 2 सी एल नेगेटिव क्या मिल जाएगा आपको, ये तो जेड ही तो है, मेक सेंस। सर वेरी यू टेक बी 2+ 2। हाँ हम, हमारे पास एच बी कितना एक्स्ट्रा आ चुका था, हमने वाई बाई टू लिया था ना, तो वाई बाई टू से आपको बी ए 2 पॉजिटिव बाई टू मिलेगा और 2 OH नेगेटिव बाई टू मिलेगा ना, तो हमको 1 OH नेगेटिव चाहिए था, बाई टू वाई बाई टू, सिंस वी टुक वाई बाई टू, बी ए 2 पॉजिटिव भी तो आधा ही मिलेगा आपको, अगर OH नेगेटिव आधा मिल रहा है, OH नेगेटिव 2 है, 2 का आधा 1 जो चाहिए था हमको, बी ए का आधा बी ए बाई टू, मेक सेंस, ओके वी टुक वाई बाई टू ना, है ना, समझ में आया, या सिर्फ मान ली बात आपने, समझ में आया ना। अच्छा ठीक, यस इस तरह के सवाल लेकिन अभी तक बोर्ड में नहीं पूछे गए। मीटिंग पर हर्षा एंड खदीजा, खदीजा तो पता नहीं है या नहीं, खदीजा
हर्षा जस्ट वेटिंग फॉर यू हर्षा। खदीजा इफ यू आर इन द क्लास यार, तो बताइए, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे शांत बैठे हैं बिल्कुल, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर, क्या यस सर? हाँ, इतना चीख चिल्ला रहे हैं, खदीजा खदीजा कर रहे हैं, आप बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बीच में आप कहीं चले गए थे क्या? हाँ, यस सर, कहाँ चले गए थे भाई? ऐसे बता के जाया करो यार। यस सर, सेकंड एप्लीकेशन लिखिए, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये बहुत सिंपली, बस आपको क्या करना है यहाँ पे, फॉर्मूला पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, क्या होगा, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, बस। ये जो कंसंट्रेशन पे जो लैम्डा एम है ना, ये दिस विल बी फ्रॉम दिस इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ठीक है, तो ये मोलारिटी वही कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, बस दैट्स इट। इस इक्वेशन को यूज कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम सी, ठीक है, लैम्डा नॉट एम के लिए आपको क्या दे देगा पता है, लैम्डा ऑफ कटायन प्लस लैम्डा ऑफ एंड लैम्डा ऑफ एनायन, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो लैम्डा नॉट एम मिल जाएगा आपको, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इतना। थर्ड लिखिएगा, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन टॉपिक से जो सवाल आता है ना, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे भूल छोड़ देते हैं ये टॉपिक को, बहुत आसान सा होता है। वी नो दैट फ्रॉम वेयर, वी नो इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा वी हैव जस्ट सीन दैट इट इज इक्वल टू लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई लैम्डा एम एट इनफिनाइट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दिस वैल्यू, आपके पास जो के आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, आप अलग से अल्फा निकालिए फिर यहाँ पे प्लग इन कर लीजिएगा, लेकिन एक बार लिखा देते हैं वैल्यू, बिकॉज अल्फा की जगह लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा नॉट एम होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वही लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई लैम्डा नॉट एम, ठीक है, बट लेकिन हमेशा ना अल्फा निकाल लीजिएगा, उसके बाद अल्फा को प्लग इन कर लीजिएगा। कॉपी कीजिए, फिर एक सवाल करेंगे, बोर्ड से एक सवाल आया था, मतलब एक क्या और भी सवाल आए हैं, एक सवाल करेंगे हम लोग। देखिए, ये सवाल आया, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा ऑफ सी एस सी सी ओ एच, अगर आपके पास लैम्डा एम भी दिया हुआ है और लैम्डा नॉट एम भी दिया हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक है ना, लैम्डा एम कितना दिया हुआ है 48, लैम्डा नॉट कितना दिया हुआ है 400, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बोथ ऑफ दीज विल बी इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आपके पास कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, है ना,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई यूनिट नहीं होगी। आसान, हर्षा, इंडिया, खदीजा, बताइए। यस सर, यस यस। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता। एक और सवाल कराएंगे, बहुत आसान है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, इतना लिखिए बस, आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल ना प्लीज आप लोग करके ही जाया कीजिए, ठीक है। इस तरह के सवाल करके जाया कीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल है, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर, अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह दे रहे हैं, एसिड इज इतना, कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, अल्फा विल बी इक्वल टू लैमडा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई लैमडा नॉट एम। लैमडा एम कहाँ से निकल जाएगा आपके पास, देखिए लैमडा एम हम लोग को पता है, इट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000, है ना, अपॉन मोलारिटी। ऊपर सी का मतलब होता है इनफाइनाइट नहीं है बस, है ना, इनफाइनाइट डायरेक्शन नहीं है। कापा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.8 × 10 की पावर -5 × 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 7.8 × 10 की पावर -3, नहीं -5 + 3 + 3, 3 3 6, तो 10 बच गया, 78 आ गया। देखिए, हाँ जी बताएं, 78 आ गया ना, यस है ना, और यहाँ पे 390 है बस। अल्फा इट इज इक्वल टू लैम्डा एम निकला 78/390, इसके आगे तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। ये 2 मार्क्स में सवाल आया, ये मतलब इस सेम तरह के सवाल ना 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, देखते हैं। 3 मार्क्स का भी कोई ना कोई होगा, भाई 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, है ना, 3 मार्क्स इधर है। देखिए ये है आपके पास 3 मार्क्स का, ठीक है। 20 नहीं आया हुआ, देख लिया यहाँ तक आपने, यहाँ सर 1 मिनट। तक कर लिया आप लोग, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अब देखिए, जो अल्फा मार्क अल्फा दिया हुआ है ना, और कंसंट्रेशन दी भी है, जैसे इसमें इसका के भी निकल सकता था, है ना। यहाँ पे के क्या निकलता, के आ जाता सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा आपने निकाल लिया यहाँ से, सी आपको दी हुई है 0.001, उसको प्लग इन करते के भी निकल जाता। तो इस तरह के सवाल में आपसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डिसोसिएशन कौन सा भी पूछ सकते हो। कॉपी कीजिए, रेज योर हैंड वन यस टू डन। डन क्या है या? ठीक, सर, डन। और कोई लिख रहा है क्या? एनीवन स्टिल राइटिंग? व्हाट इज राइटिंग? क्योंकि ये बिल्कुल कुछ है, ठीक है। देखिए, जैसे ये सवाल है बिल्कुल सेम है, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³। कंसंट्रेशन दे दिया इन लोगों ने, मोलर मेथनोइक एसिड इज इतना, कंडक्टिविटी दी हुई है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना ही पड़ता है ऐसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। पहले तो लैम्डा एम निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, लैम्डा एम के लिए आएगा कापा × 1000 अपॉन एम। कापा कितना दिया हुआ, कंडक्टिविटी इज 8 × 10⁻⁵ × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³, कितना जाएगा ये, 80। देखिए जरा, 80, 40, 40 आएगा, माय बाय, 40 आएगा, 40, है ना। देखिए जरा, देखिए 40 से ही, 40, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3, 3 3 6, 6 - 5 1, और 8/2 4, 4 × 10 40, 40 मेक सेंस, ऐसा नो, यस सर, ये निकल गया। अच्छा यहाँ पे ना, अब देखिए इन्होंने क्योंकि कहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि अब आज कैलकुलेट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो अब आपको यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है। तो यूनिट आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट का, जो यूनिट होता है वही लैम्डा एम का भी हो जाएगा, है ना। लैम्डा का तो वही यूनिट रहेगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लैम्डा एम है 40 / 4404, बस खत्म, अल्फा निकल जाएगा।
को कोई दिक्कत है तो बताएं, खदीजा हर्षाय नहीं, एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर। कॉपी कीजिए इसे फाइन वन फोर। ठीक है, तो बेसिकली आपका चैप्टर अब खत्म, ठीक है? इसे बचा है, लेकिन क्रोजन बचा है और बैटरी बची हुई है। क्रोजन और बैटरी के लिए जनरली आप हमको मैसेज कीजिएगा, अभी आई विल सेंड यू द लेक्चर, ठीक है? क्रोजन और बैटरी के में आपको मतलब ऐसे समझने वाली चीजें नहीं है, एक बार आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और एक बार रिवाइज करते रहिएगा उसको, तो याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है? बहुत ज्यादा कुछ उसमें समझने का नहीं है, ना उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है। तो बैटरी में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क में या 2-3 मार्क में? बैटरी क्या क्या में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क में या 2 मार्क में? हाँ बोर्ड्स में? बोर्ड्स में तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर साल सवाल भी आए, ठीक है? अगर हम कंफर्म कर लेते हैं, जैसे एक आया था, देखिए एक सवाल आया था, ठीक है? अब बताइए इसमें क्या ही आप कर सकते हैं। सवाल ये है आपके पास बैटरी का, है 2023 में आया था, है ना? एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम? इसमें तो ये याद हुआ तो ठीक, नहीं याद रहा आपको तो मतलब आपने पढ़ा भी हो अगर, क्योंकि लॉजिकल सवाल तो नहीं है, फैक्चुअल सवाल है बिल्कुल ये, है ना? जिसमें H2O2 सेल यूज हुआ था, ठीक है? अब अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गया। अब इससे पहले तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तो हम मतलब जैसे टीचर्स के साथ भी क्या होता है ना, क्या कीजिएगा मतलब वो ना, टीचर्स पढ़ाते भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देख के पढ़ाना पड़ता है हमेशा, ठीक है? लाइक क्वेश्चन पेपर ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक ये सवाल नहीं आया हुआ था, ठीक है, जब तक ये सवाल नहीं आया हुआ था,